So let's now talk about how to factorize a 2-degree equation representing a pair of straight line, a general equation of 2-degree. ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूं ये बात, फैक्टराइजेशन ऑफ 2-degree इक्वेशन, जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करने लगे हैं फैक्टराइजेशन की. तो ठीक है दोस्तों, आइए. तो अब हमने ऑलरेडी बात कर ली है किसके बारे में, फैक्टराइजेशन ऑफ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू. ये ऑलरेडी बात हम लोग कर चुके हैं. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जरूरी नहीं है होमोजीनियस, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू, उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सबके सामने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं. मैं लेट अस टॉक अबाउट इट, कि हमने एक इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 2y² माइनस xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है, ठीक है ना, ये 2-degree इक्वेशन दे रखी है. हम कह रहे हैं कि भैया पहले तो ये चेक करें क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, यस और नो, एंड इफ यस फाइंड दोज लीनियर फैक्टर्स या फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है यहां पर सारी चीजें, हम कंपेयर करें तो ये लिख सकते हैं ए की वैल्यू 1 आ रही है. जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ए बी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, तो 2h की वैल्यू माइनस का 1 है, यानी h की वैल्यू माइनस का 1/2 है, और 2gx, g की वैल्यू कितनी है 3/2 है, 2fy, f की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू कितनी है 2 है. ठीक, अब अपने को चेक करना है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, क्या ये 0 आ रहा है, चेक कर लेते हैं. ए इंटू बी इंटू सी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2fgh, अब 2 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच, अब 2 से 2 कटेगा और ये बनेगा माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस का 3/2 बनेगा, है ना, क्योंकि ये 3/4 आएगा माइनस का, इंटू 2 करेंगे तो एफ जी एच इंटू 2 करोगे तो माइनस का 3/2 आएगा, माइनस का ए एफ स्क्वायर, अब एफ स्क्वायर कितना आ रहा है, माइनस का ये 1 आ जाएगा, और माइनस का बी जी स्क्वायर, तो माइनस का बी जी स्क्वायर, अब जी स्क्वायर कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस का बी जी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का 2 इंटू 9/4 मतलब 9/2 आ जाएगा, सही है, और माइनस का सी एच स्क्वायर, तो माइनस का 2/4 तो माइनस का 1/2. आप चेक कर लेंगे दोस्तों कि ये सारी चीजें 0 आएंगी, यानी डेल्टा 0 आ जाएगा, करेक्ट है. ठीक है, अगर डेल्टा 0 आ गया तो मतलब अब फैक्टराइज कैसे करना है, कैसे करना है, अब फैक्टराइज करने का क्या तरीके है, आइए दोस्तों अपन बात करते हैं इस बारे में. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो फैक्टराइज करने के लिए जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2y² माइनस का xy ये लिखा है, प्लस 3x प्लस 2y प्लस का 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना. सबसे पहला काम, ये जो होमोजीनियस फैक्टर है डिग्री 2 का, इसको ध्यान दे, केवल इतने को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2y² माइनस का xy, सबसे पहला काम आप इसको फैक्टराइज करें. क्या करें, इसको फैक्टराइज करें, दी होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिग्री 2. इस पार्ट को सबसे पहला काम आप फैक्टराइज करें. ठीक है, तो क्या करा जाएगा, इसको फैक्टराइज करना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, वो आएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस का 2y, व्हाटएवर मेथड जो मैंने सिखाया है उनमें से कोई सा मेथड अपना लीजिएगा, आ जाएगा. देखो ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 2xy प्लस का xy, यानी माइनस का xy और माइनस का 2y² ये आ रहा है. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी भी टाइप की.
फिर आगे क्या करा जाए। अब आगे करने के लिए हमें क्या करना है, अब ये वाला जो पोर्शन है इज इक्वल टू, इसको लिखें इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू वाई प्लस एम। ध्यान से देखें, एल और एम जहां पर कोई कांस्टेंट है, मैंने इस होमोजीनियस पोर्शन के जो फैक्टर्स आए हैं डिग्री टू वाले के, उसके अंदर में एल और एम को ऐड कर दिया। एल और एम को ही क्यों ऐड करा, एल और एम तो कांस्टेंट है, इसलिए ऐड करा क्योंकि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, तो भैया इसके अंदर में केवल कांस्टेंट का ही तो चेंज आएगा जो ओरिजिन से पास ना करने वाला है। क्योंकि एक और बात कि भैया अगर L और M ऐड हो रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई करके ये तो चाहिए ही चाहिए अपने को फाइनल इक्वेशन के अंदर में, केवल दिस पोर्शन इज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए मैंने L और M ऐड कर लिया। क्योंकि L ऐड करने से, और जब इस L को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ आएगा, और इस M को ऐड करने से कोएफिशिएंट ऑफ L x और कोएफिशिएंट ऑफ y और कॉन्स्टेंट कुछ कुछ तो आएगा, वही तो चाहिए अपने को। अब ऐसा करने का मतलब मैं बोल सकता हूँ ये इक्वेशन इस फॉर्मेट की होगी, क्योंकि कोई भी दुनिया में स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा डिग्री वन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होती है, डिग्री वन इक्वेशन, ये भी नो डाउट डिग्री वन इक्वेशन है, लेकिन ये तो केवल और केवल फैक्टर किसका है, जिसका की होमोजीनियस पोर्शन है डिग्री, होमोजीनियस पोर्शन डिग्री टू का, यानी जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, अपने को कंफर्म पता है, तो अपने को एल और एम ऐड करना पड़ेगा। अब आप कंपेयर कर लें दोनों तरफ, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे। कहने का मतलब है जैसे कि अगर आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करोगे दोस्तों, अभी अरे भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं, वो तो यहां भी वन आ रहा है और यहां भी वन आ रहा है ना। आई एम सेइंग दिस इक्वेशन नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद दिस इक्वेशन, बट लीविंग असाइड द होमोजीनियस पोर्शन ऑफ डिग्री टू, बिकॉज उसको कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, जो मिलना था आपको ऑलरेडी मिल चुका, उसको कंपेयर नहीं करने की जरूरत है। तो जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करा दोनों तरफ, इधर कौन है, थ्री है, थ्री इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट कौन आएगा यहां से, अब एक्स एम से मल्टीप्लाई होगा एम, और ये वाला x किससे मल्टीप्लाई होगा l, तो m प्लस l आएगा, बोलो, क्योंकि x अगर कांस्टेंट के अलावा किसी और चीज से वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तो x अगर x से होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा, x y से होगा तो x y का कोएफिशिएंट आएगा, तो mc होना पड़ेगा, एक इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ y कंपेयर कर लो दोनों तरफ, y का कंपेयर करूंगा तो इधर कौन है टू, इधर कौन आएगा, अब l मल्टीप्लाई होगा वाई वाले से तो माइनस का टू एल, प्लस का, अब m मल्टीप्लाई होगा y से तो प्लस का m आ जाएगा। बोलो सही है क्या दोस्तों, यहां तक ये एक इक्वेशन आ चुकी है, ये दो इक्वेशन आ चुके, दो इक्वेशन, दो अननोन ही तो है आपके पास, m और l दो ही तो अननोन है। आई एम रिपीटिंग, l को करोगे तो माइनस टू एल आएगा, m को करोगे तो m आएगा, तो m माइनस का टू एल। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, यानी m माइनस का टू एल की वैल्यू टू आई एक बात, और m प्लस l की वैल्यू थ्री आई, m प्लस l की वैल्यू 3 आई, इसमें से अब इसको आप घटा दें, इसमें से माइनस कर दें, ये कट जाएगा, तो माइनस का 3l इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, यानी l की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1/3 आ जाएगी। ये गेटिंग माय पॉइंट, चेक कर लें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, m माइनस का 2l, m माइनस का 2l की वैल्यू 2 और m प्लस l की वैल्यू 3 आएगी, m प्लस l 3 आएगा, तो इसमें से इसको घटाया, माइनस 2l माइनस का l यानी माइनस 3l एंड टू माइनस थ्री तो माइनस वन आएगा, तो एल की वैल्यू 1/3। कहने का मेरा मतलब है वाया दिस यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एल, और एम और एल को यहाँ यहाँ पुट कर देंगे आप, तो दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा, तो एम और एल आ जाएगा, और जो भी एम और एल की वैल्यू आई है, इस एल को इस एम से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट आना चाहिए, यानी वो टू आना चाहिए, टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लो, आ रहा है तो मतलब आपका आंसर सही है, वरना आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। ठीक है, तो आई एम श्योर इतने पोर्शन पे आप सब लोग सहमत हैं, तो दिस कैन बी डन। तो मतलब हमने जो ये टॉपिक पढ़ना चाहा था, फैक्टराइजेशन ऑफ टू डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। और अब देखो ध्यान से कि भैया इसके फैक्टर्स करके आएंगे, तो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन दोनों लाइन्स के बीच में, यानी द होमोजीनियस पोर्शन ऑफ डिग्री टू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बीच में जो एंगल होगा लाइन्स के बीच में, वही एंगल ये पूरा डिग्री, ये जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उनके बीच में भी वही एंगल होगा, क्योंकि ये जो लाइन है क्या ये इसके पैरेलल नहीं है, क्या बिल्कुल है, कांस्टेंट का तो फर्क है,
L1 L' के पैरेलल, L1' के पैरेलल और L2 L2' के पैरेलल। तो यहां से अपने को सारी बातें क्लियर हैं। तो अब इस टॉपिक के अंदर में अगला टॉपिक, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में केवल एक या दो टॉपिक बचते हैं, तो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली वीडियो में बात करेंगे उसके रिलेटेड, होमोजेनाइजेशन, राइट।